मशरकी तय खाना। तो ये कहाँ पे जाते हैं? एक इंडिया, हाँ जी, एक लाहौर। ये बादशाह नवाब सादिक, ये है नवाब सादिक, और मैं उनके साथ छोटा नवाब अहमद सादिक। के जूते खुस्सा, वो बड़े ट्रेडिशनल चोलिस्तानी दूल्हे का लिबास। ये उनकी तलवारें हैं। तो बहरहाल ये आप लोग चेक कर लो भाई, चेक कर सकते हो आप लोग उस वक्त के डिज़ाइन आइए। तो यार अभी हम लोग ना एंट्रेंस करने लगे हैं नूर महल के अंदर। तो मैं हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद, एक मिनट चेक करो भाई। तो यार अभी मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी बताने लगा हूँ पूरी, तो आप लोग व्लॉग देखना मजा आएगा। और सबसे पहले ना यार मेरे भाई से मिलते हैं, अच्छाम भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या यार इधर रोशनी में आओ, नज़र ही नहीं आ रहे हो यहाँ पे। हाँ, क्या हाल है भाई, कैसे हो? ठीक है, आप सुनाएं भाई। अभी हम लोग ना एक्सप्लोर करेंगे नूर महल को, जो कि बिल्कुल मेरे सामने। अभी मैं आप लोगों को उसका थोड़ा लुक दिखाता हूँ, तो आप लोग चेक करो और मुझे बताओ कि भाई किस तरह का है नूर महल। क्या बात है। तो अभी भाई इंटरेस्ट पे तो मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होगा ना। ये सुरंग एक इंडिया जाती है, एक आगे बादशाह मस्जिद है। ये वाली सुरंग? तो यार कहते हैं ये जो बेसमेंट वाली सुरंग, एक मिनट मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से ना ये वाला एरिया जो है ना, ये फिलहाल बंद किया हुआ है। ये भाई लिखा हुआ है बेसमेंट मशरकी तहखाना। तो ये कहाँ पे जाते हैं? एक इंडिया, हाँ जी, एक लाहौर, वहाँ शाही मस्जिद जाता। वाओ, तो यार ये यहाँ से हम लोग इंडिया भी जा सकते हैं। ये वाला एरिया इन लोगों ने बंद किया हुआ है, फिर होंगे इशूज इन लोगों के। तो बहरहाल ये है हमारे सामने भाई। अभी हम जा रहे हैं अंदर एंट्रेंस में नूर महल के, और इसको सारा एक्सप्लोर करेंगे किस तरह का है ये। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर एंट्रेंस का एरिया है सारा भाई। यहाँ से हम लोग देखें क्या लिखा है नूर महल। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिक्स के अंदर किस तरह का नज़र आ रहा है ये नूर महल, तो देख सकते हो आप लोग। तो बहरहाल ये मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही है किस चीज़ की जगह हो सकती है भाई। तो यार ये बादशाह, इनका नाम क्या था? नवाब सादिक। नवाब सादिक, तो ये है नवाब सादिक, और मैं उनके साथ छोटा नवाब अहमद सादिक। तो यार ये यहाँ का सीन है, और ना मैं देख के आई स्वेयर के यार मैं हैरान हो गया हूँ। आप लोगों को ना एक साइड से ट्राई करवाता हूँ, और ये है नूर महल की एंट्रेंस वाली एरिया, जो कि भाई बारीकी से काम किया गया है फिर इन्होंने क्या इन चीज़ों को। तो मैप ऑफ बहावलपुर, ये है बहावलपुर का मैप। तो ये वाली चीज़ें आप लोग देख सकते हो, इन्होंने क्या हाथ नहीं लगानी, लेकिन हम तो लगाएंगे। तो बहरहाल ये है उनकी चेयर नवाब सादिक की, और ये उन्होंने लगाया हुआ है नूर महल बहावलपुर जब ज़ेर तमीर था। तो ये वो वाली तस्वीरें जब नूर महल बन रहा था आई थिंक। और भाई ये है इनका, वाओ दैट्स अमेजिंग पियानो भाई इनका। इन्होंने लिखा हुआ पियानो बजाना मना है, तो द ग्रैंड पियानो, जर्मनी से वही मंगवाया गया था ये पियानो। तो आप लोग देख सकते हो, और ये गाइड मैप है नूर महल का, यानी कि इन लोगों ने ना सारा नूर महल का मैप बताया हुआ है। दरबार हॉल फर्स्ट फ्लोर किधर है, सेकेंड हॉल किधर है। वाओ भाई दैट्स अमेजिंग। आज हो चलते हैं आगे, तो मिट्टी का है ना, तो आगे मेरे ख्याल से गैलरी आती है इनकी। तो आगे हम लोग ट्राई करते हैं नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। तो यहाँ पे चलते हैं भाई यार वैसे इनकी ये बात बेस्ट है कि ना इन्होंने जितने भी एरियाज हैं सारे एयर कंडीशनर्स बनाए हुए हैं। ये कौन सी जगह हो सकती है? अच्छा इन्होंने ना वो आई थिंक बनाया हुआ है अहमदपुरी गेट इस तरह के, उन्होंने यानी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये लोगों को, हाँ ये वाला, तो यार ये इनकी वेपन्स हैं जो वो यूज़ करते थे रियासत भावलपुर की फ़ौज के लिए ज़ेरे इस्तेमाल मुतअद्दिद जंगी हथियार। मेडल्स, वाह मेडल्स ऑफ भावलपुर स्टेट। तो उस तलवार का डिज़ाइन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार की निस्बत है, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सादिक गैलरी। तो अभी हम लोग ना गैलरी के अंदर जा रहे हैं, और यार यहाँ पे मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ भाई, चेक दिस मैन।
वाह, तो यार ये है उनका गैलरी, नहीं ड्रेसिंग टेबल। तो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ यहाँ से लाइन वाइज। तो वाह दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नवाब सादिक की वी कॉर्नर, तो ये उनकी बचपन की तस्वीरें हैं, चेक करो आप लोग। महल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना बड़ा महल है। और ये उनकी पुराने जितनी भी पिक्स है ना, सारी उन लोगों ने बताई हुई है हमारे। बहरहाल ये ना उन जमाने की पिक्स है, तो आप लोग देख सकते हो जैसे वजीर आजम वगैरह से मिले थे, इस तरह का सारा चलता, जैसे जनरल वगैरह से मिलते थे। चेक कर सकते हो आप लोग, नवाब सादिक भी अलॉन्ग विद द कमांडर इन चीफ जन मूसा एट सादिक गराज पैलेस। तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और इतना बेस्ट बना हुआ है ना, तो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। यहाँ पे आके ये कौन है, नवाब सादिक मोहम्मद खान हुआ। यार बहुत चेंज लग रहे हैं, उस पीक में चेंज लग रहे थे, इसमें अलग चेंज लग रहे। बैठ रहा हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं उनके बेडरूम के अंदर। ये सामने अच्छा, ये सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस था ना भावलपुर का, और ये यहाँ पे लिखे रियासत भावलपुर के झंडे, इस तरह के झंडे होते थे भाई। देखो ये इनके सिक्के हैं भाई, सिक्के भी दिखाओ। और ये इसका नहीं पता हुआ क्या चीज़ है, इसके बारे में बताया भाई। ओह दैट्स समथिंग। फिर ये गिलाफे काबे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पिक भी बनाई हुई है। सुभान अल्लाह, वाओ दैट्स अमेजिंग यार। आप लोग देख सकते हो उस जमाने में एक आना, इस तरह लिखा गया था, एक आना आठ आना, आठ आना। ओए वाह, ये उस दस वक्त ये भी रुपया चलते थे, इस तरह के ये होते थे स्टाम्प ये। है, अच्छा एक आने का 10, आठ आने का 12 आने का। वासी की शादी का कार्ड, वाह शादी भाई उस का वक्त इतने कार्ड, प्यारे बनाए थे यार ये उनकी शादी कार्ड है। उस वक्त इतने ग्रैंड और बेस्ट बनाए गए ना यार, आप लोग देख सकते हो। ये उनकी तलवारें हैं, उनके कैमराज हैं, और आई थिंक ये उनकी यूनिफॉर्म है जो वो पहना करते थे ना, ये भी इनकी यूनिफॉर्म है। तो उनका हुक्का, ये उनका ड्रेस है, ठीक है, ओरिजिनल टाइल्स। ये उनके ड्रेसेस हैं, रिपब्लिक और रॉयल ब्रांड ड्रेस, बेस्ट है यार, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बेस्ट से भी ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्या चीज़ है, सगवान। ये क्या चीज़ होता है भाई, कि लकड़ी का है जो कि नूर महल की तमीर में इस्तेमाल किया गया। अरे तो ये भाई ये वीडियो, ये क्लिप लेडीज ही देखेंगी, मर्द पे सोना आराम है। तो बहरहाल ये आप लोग चेक कर लो भाई, चेक कर सकते हो आप लोग उस वक्त के डिज़ाइन आइए। बहरहाल ये उस जमाने के पत्थर हैं सारे, और ये भाई जोड़े चेक करो उनके, चुनरी वाओ, और ये बीन है जिसके अंदर सांप को बुलाया जाता था। ये जूते खुस्सा, वो बड़े ट्रेडिशनल चोलिस्तानी दूल्हे का लिबास, क्या ब्रांड थे यार वो, है ना। अच्छा भाई चक्की, इसको घुमाओ ना, उस जमाने की है ना, हैंडमेड चक्की। तो ये उनके जूती, ये उनकी वाइफ के कपड़े हैं जो उनकी वाइफ पहना करती थी। आगे बंद है, खुला है भाई ने, आ जाओ एक दो, अभी हमारा थोड़े से रहता है बेडरूम। तो बहरहाल यार आप लोगों ने देखा किस तरह का यहाँ पर सीन है, बहुत बेस्ट सीन है। तो आप लोग देख सकते हो ये सारा उनकी एरिया है। तो लास्ट चीज़ रह गई है उनका बेडरूम, तो उसकी वीडियो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई ये है उनका बेडरूम, ये है उनका सोफा, और ये था अंदर से नूर महल जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करवाया है। और यार मज़ा आया तो आया होगा आप लोगों को, आई होप कि यार बहुत मज़ा किया होगा आप लोगों ने। पहले अगर आप लोगों ने इंजॉय नहीं किया ना भाई, तो दोबारा देख लो वीडियो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़े की वीडियो है, बहुत मज़े की है। और मैंने आप लोगों को जितनी कोशिश की ना यार कि आप लोगों को पूरा नूर महल दिखाया जाए, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आप लोग देख सकते हो भाई ये है नूर महल पूरा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापिस, तो यार दिल कर रहा है ना भाई हाथ लगाए इनको सही में, है ना। चलते हैं बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ। आई थिंक हम लोगों ने विजिट कर लिया, इधर से आ जाओ चलते हैं बस। तो ये खुदा और मोहम्मद के ड्रामे में बिल्कुल यही सीन था, यही वाला सवाल किया गया था। आई थिंक ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, एरिया सारा बंद किया हुआ है। और ये है हमारे भाई
भावलपुर के बादशाह गुलजार सादिक। चलो इनके साथ थोड़ा सीन सीन हो जाए, पकड़ो तस्वीर आ रही है इनके साथ, आ रहे हैं मेरे क्लियर आ रहे हैं तस्वीर। तो बहरहाल ये है उनका नूर महल जो कि उन्होंने तामीर करवाया था भाई। तो अभी ना लाइटिंग तो मेरे ख्याल से थोड़ी है जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहे। थैंक यू। अच्छा भाई मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है नूर महल को देखकर। अच्छा भाई इधर इधर लेकर आओ, करीब आओ मेरे साथ आओ। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने लगा हूँ जो कि भाई खुदा और मोहब्बत के ड्रामे में इस्तेमाल किया गया था। ये वाला जो प्लेस है ना, यहाँ पर मेरे ख्याल से ड्रामे की ना शूटिंग की गई थी। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं जैसे भाई फिरोज खान बैठा था यहाँ पे, इस तरह बैठते थे। तो ये वो एरिया है जहाँ पे खुदा और मोहब्बत ड्रामे की शूटिंग भी हुई थी और ये नूर महल भी है। और अभी मैं आप लोगों को उनकी गाड़ियाँ दिखाने लगा हूँ, आओ। कितना प्यारा है यार नूर महल भाई। अभी ये गाड़ी है इनकी BWP 249 नंबर की, इनकी स्पेशल सी गाड़ी थी जिसके अंदर से भाई वो जाया करते थे। इस तरह की बनाई हुई प्लास्टिक। तो यार ये है बग्गी। तो भाई वो आगे क्या बनाया हुआ है देख कर यार, ये भाई यहाँ से नूर महल, यार ये यहाँ का सीन था नूर महल का। और मेरे पीछे बिल्कुल नूर महल है और यहाँ पे हम लोगों ने फोटो शूट करना था वो भी कर लिया है। और मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करा दिया किस तरह का नूर महल था। तो अभी हम लोगों ने यार जो हम लोगों ने लिया था ना पान, तो वो मैं आप लोगों को पान दिखाऊंगा भाई, वो पान खा के दिखाएंगे। और भाई घर से मार चार पड़ेगी तो रहने दो, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल अभी ना मैं पान शान ट्राई करने लगा हूँ भाई। कैसा लगा? मज़े का। ठीक है भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यार यहाँ पे सीन इतना का था। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं। तो यार हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा है यार, ये पान बड़ा मज़े का है, पान बहुत मज़े का। ये था नूर महल, मैंने आप लोगों को सारे एक्सप्लोर करा है और मेरे मुंह में पान भी है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों को, आई होप के बड़ा मज़ा आया होगा। तो यार सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए भाई ये वीडियो बनाई है।